हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। क्रिप्टो करेंसी मार्केट आज की डेट में काफी नीचे चल रही है एंड काफी लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो चार्म था वो खत्म हो चुका है। अब जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो पूरी खाली क्रैश ही होगी, ऊपर कभी नहीं आएगी, ये काफी लोग अज्यूम कर रहे हैं। एंड काफी ऐसी वीडियोज देखी हमने जहाँ पे लोग ये बता रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट का अब कोई फ्यूचर नहीं रहा। क्या चीजें हैं, क्या चीजें हम लोगों ने देखनी है, क्या चीजें आगे जाके हो सकती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके ये बोले कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो उनसे बच के रहना, वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं। किसी भी सोशल मीडिया, बी इट इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी और सोशल मीडिया से कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करते एंड किसी को भी आपने अपने क्रिप्टो सेंड नहीं करने। किसी को अगर आपने अपने क्रिप्टो सेंड करे तो ये समझ लीजिए वो क्रिप्टो आपके हाथ से चले गए एंड वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। ऑफ लेटली पिछले 2-3 हफ्तों से क्रिप्टो मार्केट काफी नीचे आ रही है। इनफैक्ट 2022 में क्रिप्टो मार्केट में वो बूम हमें देखने को नहीं मिला जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इन द एंड ऑफ 21। काफी लोग ये अज्यूम करके अभी चल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बहुत बुरा हाल होगा आगे जाके भी। क्या रियलिटी है, क्या चीजें हो रही है इन क्रिप्टो करेंसी, वो एक बार देख लेते हैं। एक बार चलते हैं CoinGecko ऐप में, एक बार देख लेते हैं मार्केट की क्या करंट सिचुएशन चल रही है, क्या अपडेट्स आ रही है मार्केट से एंड आपको बताते हैं कि हम लोग क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, हम लोग क्या स्पेकुलेट करके चल रहे हैं कि मार्केट जो है कब यू टर्न लेगी एंड कब ऊपर जाएगी वापस। तो साइड में आप देख सकते हो हमने ओपन कर दिया है CoinGecko ऐप। करेंटली जो ग्लोबल मार्केट है वो अभी भी डाउन है 2% इन द लास्ट 24 आवर्स। BTC अगेन डाउन है 1.5%। करेंटली इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 26,11,000 रुपीज का। ईथ जो है वो 2 लाख से नीचे आ चुका है 1,90,000 का, 2.2% इसमें डिप देखने को मिला इन द लास्ट 24 आवर्स। इथेरियम की एक बात चल रही थी बीच में जिसमें बताया जा रहा था कि काफी गैस फी जो है ईथर आजकल लेने लग गया है एंड प्रॉब्ली ईथर का मुझे पहले से स्पेकुलेशन था कि ईथ जो है वो गिर सकता है आफ्टर दैट न्यूज, बट वो इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो रेड में आ जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था एंड इतना ज्यादा डाउन होगी मार्केट। बिटकॉइन जिसको हमने देखा है काफी ऊपर जाते हुए वो आज की डेट में चल रहा है 26 लाख रुपीस का। इनफैक्ट आपसे वीडियो बनाते बनाते ये 25 लाख रुपीस का आ चुका है। XRP 43 रुपीस, कार्डानो ADA 54 रुपीस। कोई भी आप क्रिप्टो, कोई भी आप टोकन देख सकते हो साइट में, कोई भी ऐसा क्रिप्टो नहीं है जो आज की डेट में आउट परफॉर्म कर रहा हो किसी और क्रिप्टो करेंसी को, जो आज की डेट में कुछ अच्छा कर रहा हो। यस, डेवलपमेंट्स जो है वो सारे क्रिप्टो करेंसीज में हो रही है, जो चीजें होनी चाहिए उन क्रिप्टोज में वो सारी चीजें हो रही हैं एंड कहीं ना कहीं सारे क्रिप्टो, सारे टोकन्स आर प्रिपेयर्ड कि जब भी बुल रन आएगा वी आर फुली प्रिपेयर्ड कि हम लोग सबसे ज्यादा छलांग मारेंगे आगे जाके। बट करेंट सिचुएशन देख के यस, एक पैनिक की सिचुएशन है इन दी मार्केट। पीपल आर सेलिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स, पीपल आर आज के डेट में वो कंफ्यूज है कि वो होल्ड करके रखें कि सेल ऑफ कर दें, कि जितना पैसा हमने लगाया था एटलीस्ट उतना बाहर आ जाए, बाकी देखी जाएगी। एंड बट उसके साथ साथ जब भी वो मार्केट देखते हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार मार्केट जो है और नीचे गिरती जा रही है एंड इसमें कोई मना नहीं कर सकता, कोई डिनाइंग दी फैक्ट नहीं है कि बिटकॉइन जो है वो काफ़ी नीचे आ गया एंड बिटकॉइन को देखते देखते ऑलमोस्ट जो फर्स्ट 200 क्रिप्टोज हैं या 300 क्रिप्टोज है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को देख के ही टर्न लेते हैं। अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाकी के क्रिप्टो करेंसीज भी नीचे जाते हैं। बिटकॉइन कब ऊपर जाएगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के माइंड में। अगर हम लास्ट 3 मंथ्स का चार्ट देखें और बिटकॉइन, हमें यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ अभी देखने को नहीं मिली है। स्पेशली अगर हम लास्ट 1 मंथ की बात करें तो मार्केट काफ़ी नीचे आई है एंड कहीं ना कहीं बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल था ऑफ अराउंड 30 लाख रुपीज़ वो ब्रेक होके उसके नीचे आ गया एंड मार्केट वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे आई है। आज की डेट में इट इज़ नॉट रॉन्ग इन सेइंग कि मार्केट इज़ ब्लीडिंग रेड। कहीं पे भी आप कोई भी क्रिप्टो ओपन करके देख लो, कोई भी क्रिप्टो में अच्छे साइंस नहीं है इन 22, स्पेशली जब से स्टार्ट हुआ है तब से कोई भी अच्छे साइंस नहीं आया है एंड जैसे कि हम आपको बताते हैं जो न्यूज़ आती है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है इन दी मार्केट। जब नया सेशन आया था, जब नया साल स्टार्ट हुआ था, एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड। 21 के एंड में एवरीबडी वॉज सेइंग कि हमारा जो प्राइस टारगेट है वो तो रीच हो जाएगा इन दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22, जो हमारा प्राइस टारगेट है वो तो मीट हो जाएगा 22 के एंड तक। बट आज की डेट में अगर उन्हीं लोगों से आप क्वेश्चन पूछो कि आप लोगों ने क्या करा है, मैक्सिमम ऑफ देम हैव सोल्ड ऑफ देयर क्रिप्टोस। वो बोल रहे हैं कि हमने तो बेच दिया यार, हम लोग नुकसान में चल रहे थे, हम लोग और नुकसान नहीं सह सकते तो हमने बेच दिए। बट पीपल हु हैव होल्ड ऑन टू देयर क्रिप्टोस, पीपल जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा, उन्होंने होल्ड करके रख रखे अपने क्रिप्टोस, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट। वो क्यों है, उसके काफ़ी ज़्यादा रीजन्स हैं।
सबसे पहली चीज, अगर आप एक्सप्लोर में जाओ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि CoinGecko आप अगर आपके पास है तो आप एक्सप्लोर में जाके न्यूज पढ़ सकते हो रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट, क्या चल रहा है किस क्रिप्टो में, जो भी लेटेस्ट न्यूज है यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, काफी ऐसी पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आ रही है जो बताता है कि यस, कुछ ना कुछ तो है क्रिप्टो करेंसी में जो आगे जाके अच्छे खासे रिजल्ट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम टू सपोर्ट NFTs फॉर क्रिप्टो आर्ट। अब इंस्टाग्राम भी जो है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो की तरफ मूवमेंट कर रहा है। वी हैव सीन ऑलरेडी कि ट्विटर जो है वो इलॉन मस्क ने जब परचेज करा था तो कहीं ना कहीं पीपल वर वेरी श्योर कि ट्विटर से कुछ अलग चीज होगी। यहाँ पे आप और भी पढ़ सकते हो, ओवर 1 लाख क्यूबंस आर नाउ यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। इसी तरह से काफी न्यूज आ रही है रिगार्डिंग फुटबॉल क्लब्स ऑल्सो। मैनचेस्टर सिटी फॉर एग्जाम्पल, उनको भी एक क्रिप्टो करेंसी नए साल से उनको स्पॉन्सर कर रही है। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर कर रही है, मेरे ख्याल से बाइनेंस स्पॉन्सर कर रही है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट यस, कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है या क्रिप्टो है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, जो उनको स्पॉन्सर कर रहा है। तो ऐसी काफी न्यूज निकल के सामने आ रही है जो हमें ये बताती है कि क्रिप्टो करेंसी अभी डेड नहीं हुआ है। काफी लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि बस हो गया यार, हमने तो ट्राई कर लिया था। एंड दोज पीपल जो ये बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनमें से थे जो ट्रेडिंग करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि आज वो पैसा डालें, नेक्स्ट वीक वो पैसा निकाल लें, फिर अगले दिन वो पैसा डालें, फिर उसके अगले हफ्ते वो निकाल लें। यस, मार्केट उस तरीके की कंडीशन में आज की डेट में भी नहीं है। एंड जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक डिफरेंस होता है बिटवीन अ SIP एंड अ लमसम इन्वेस्टमेंट। जो SIP करता हुआ आ रहा है या जो करना स्टार्ट करा है जिन्होंने, उनके लिए अभी मार्केट बहुत अच्छी है। जो इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए मार्केट बहुत अच्छी है आज की डेट में, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है। हम हमेशा से बोलते हुए आ रहे हैं, जब क्रिप्टो मार्केट रेड में हो तो हमने परचेज करना चाहिए, जब ग्रीन में हो तो हमने सेल करना चाहिए, लुकिंग इनटू द प्रॉफिट हमने कितना बनाया। काफी लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, काफी लोग आज की डेट में पैनिक कर रहे हैं एंड पीपल आर सेलिंग ऑफ देयर क्रिप्टोस। काफी मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने क्रिप्टो सेल करा है इन दिस रेड मार्केट, एंड मैं उनको बार बार समझाता हुआ आ रहा था कि अभी सेल करने का कोई भी फायदा नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो तो आप निकाल लो। इफ यू डोंट ट्रस्ट क्रिप्टो एनी मोर, बट एटलीस्ट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए तो आप पैसा होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि आपने अगर उतना ही पैसा डाला, या दो चीजें होती है बहुत प्लेन एंड सिंपल आज बात करते हैं। एक आदमी जो अफोर्ड कर सकता है ऑफ लूजिंग 5,000 rupees इन अ मंथ, एग्जाम्पल है, वो अगर 5,000 rupees डाल रहा है इन क्रिप्टो करेंसी, आई एम श्योर वो आज के डेट में होल्ड करके बैठा है अपने क्रिप्टो करेंसी, वो होल्ड करके बैठा है कि आगे जाके मार्केट ग्रीन हो सकती है एंड मुझे उसमें से प्रॉफिट निकल के सामने आ सकता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरा आदमी जो स्पेंड कर सकता है 5,000 rupees, बट उसने डाल दिए 50,000 rupees इन क्रिप्टो करेंसी जस्ट लुकिंग इन टू दी यू नो वीडियोज ऑन यूट्यूब, या उसने रिसर्च करी जो भी अपनी, उसने 50,000 rupees डाल दिए किसी भी क्रिप्टो में, चाहे वो SIP के थ्रू डाले हो चाहे वो लमसम के थ्रू डाले हो। बट आज के रेट में जिसने 50,000 rupees डाले हैं, हु इज केयर टू लूज दैट 50,000 rupees, वो कहीं ना कहीं आज के रेट में पैनिक सेलिंग करेगा ही करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज उसके लिए वो 50,000 rupees, अगर आज के रेट में 25,000 rupees भी है, वो बोलता है यार ये बहुत ज्यादा पैसा है, इतना निकाल लेते हैं, इसकी FD कर लेंगे दोबारा। एंड दैट इज अ प्लेन एंड सिंपल लॉजिक जो निकल के सामने आ रहा है। रादर देन थिंकिंग कि कौन सी क्रिप्टो में हमने रिसर्च करनी चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि जो क्रिप्टोज हमने परचेज कर रखे हैं उनमें क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज आज के डेट में लोग डेवलपमेंट्स नहीं देखने में इंटरेस्टेड, लोग ये देखने में इंटरेस्टेड है कि मार्केट और कितना नीचे गिरेगी। कई ऐसे लोग होते हैं जो नर्वस होते हैं जिस टाइम में, उनके सामने अगर वैसी न्यूज रख दी जाए तो वो न्यूज पक्का देखते हैं। आज के डेट में अगर आप नर्वस हो, कोई ऐसी न्यूज आती है सामने कि बिटकॉइन जो है वो जीरो का हो गया, तो वो 110% जाके वो आर्टिकल पढ़ेगा। आज की डेट में जो नर्वस होते हैं उनको ये बोल दिया जाए कि क्रिप्टो मार्केट और नीचे आएगी, वो जाके वो आर्टिकल जरूर पड़ेगा। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट इससे नीचे नहीं आ सकती है। अगर आप मार्केट का चार्ट देखें तो मार्केट का चार्ट कहीं पे भी एक सपोर्ट नहीं ले रहा है। जो चार्ट है बिटकॉइन का स्पेशली, वो कहीं पे भी एक रुक नहीं रहा है, वो फ्री फॉल चलता आ रहा है इन दी मार्केट फॉर दी लास्ट 1 month, एंड ये बहुत बड़ी बात है। आगे जाके क्या होगा, काफी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर आगे जाके क्या होगा वो बताओ। आगे जाके मार्केट इससे नीचे भी आ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, क्रिप्टो मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, यू विल हैव टू टेक दैट रिस्क। जितना आप पैसा गवा सकते हो उतना ही रिस्क लो, उससे ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। मैंने काफी ऐसे लोग देखे जो आज की डेट में बोलते हैं, सर हम तो 5,000 rupees डालेंगे या 1,000 rupees डालेंगे एंड क्रिप्टो मार्केट से 1,00,000-10,00,000 rupees निकाल के वी आर सेटल्ड। अगर आपका मोटिव वो है टू एंटर इनटू क्रिप्टो करेंसी मार्केट, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज नॉट फॉर यू, क्योंकि 1,000 rupees या 10,000 rupees डाल के 1,00,000 rupees निकालना, एंड वो भी एक टाइम ड्यूरेशन में जो कि बहुत ही कम है, महीना 2 महीना 3 महीना,
वो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन है इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट आज की डेट में भी, एंड प्रीवियसली भी वो रह चुका है। अगर हम चार्ट देखें अगेन बीटीसी का, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम मैक्सिमम चार्ट हमेशा ओपन करते हैं आपको ये बताने के लिए ओपन करते हैं कि बिटकॉइन जो है वो काफी ऊपर गया था, बट आफ्टर गिविंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू बिटकॉइन। काफी लोग आज की डेट में ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सर बिटकॉइन अगर नीचे आया, बहुत ज्यादा नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे, हम पैनिक हो रहे हैं। एंड काफी लोग शिबा की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड मेनी वीडियोज ऑन शिबा, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इन शिबा। शिबा जो है आज की डेट में काफी नीचे है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, 0.0013 में वो चल रहा है। एंड हमेशा से मेरा शिबा का एक प्राइस टारगेट रहा है 0.0027। जब शिबा वो क्रॉस कर देगा देन वी कैन इजीली से कि शिबा में जो है वो बुल रन आ चुका है, एंड शिबा जो है अच्छे खासे प्रॉफिट हमें देगा। क्या हमें डिप एक्सपेक्टेड नहीं था इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट? क्या ये मार्केट वो है जो हमेशा ग्रीन रहेगी? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों के पास भी होगा। देयर इज नो मार्केट इन दी वर्ल्ड जो हमेशा ही ग्रीन रहती है। अगर ऐसी कोई मार्केट होगी तो आदमी जाके वहां पे पैसा लगा देगा, बोलेगा बस यहां से मैं प्रॉफिट कमाऊंगा और इसी से मेरा घर चल जाएगा। बट एन आई ओपनर इज कि ऐसी कोई भी मार्केट नहीं होती अक्रॉस द यूनिवर्स जो हमेशा ही ग्रीन रहे। कहीं ना कहीं किसी टाइम में आके वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्रिप्टो में बेयरिश रन आएगा। 21 में काफी लोग बुलिश थे बिकॉज मार्केट जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मोर देन एक्सपेक्टेड उसने परफॉर्म करा था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर हम मेटावर्स की भी बात करें, बाकी क्रिप्टोज की भी बात करें, ऑल्ट कॉइन, बिटकॉइन या इथेरियम की भी बात करें, तो काफी अच्छा परफॉर्म करा था, मोर देन व्हाट आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड, उससे अच्छा परफॉर्म करके गई थी मार्केट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ डाउन टर्न उसी टाइम, बट उस टाइम डाउन टर्न नहीं आया था। हमने 2-3 वीडियो में भी बताया था कि शायद प्राइस जो है थोड़ा नीचे आ सकता है, बट वो उस टाइम नहीं आया। आज की डेट में जो मार्केट नीचे आई है वो बहुत बुरा नीचे आई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बंद हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। काफी लोग ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो जीरो वैल्यू का हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी की यूटिलाइजेशन ऐसी है, काफी ऐसी बड़ी कंपनीज है जो क्रिप्टो करेंसी की तरफ टर्न कर रही है टुवर्ड्स लुकिंग इन टू दी एडवांटेजेस ऑफ दोज क्रिप्टो करेंसी, एंड वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज कर सकते हैं वो। ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे आप लोग कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि नहीं, दिस इज नॉट दी टाइम टू सेल दी क्रिप्टो करेंसी, दिस इज दी टाइम टू होल्ड दी क्रिप्टो करेंसी। यस, लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब आप पैनिक होते हो कि यार ये इतना नीचे आ गया आप क्या करें, ये इतना नीचे आ गया आप क्या करें, इतना तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे इसको नीचे आने की, अब आ गया अब क्या होगा आगे जाके। वो सारी सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है। Everybody who is invested in cryptocurrency is reading about some or the other article जो आज की डेट में आ रहे हैं सामने, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम ही डीमोटिवेट हो जाए। हम लोगों ने मोटिवेटेड रहना, अगर आपने उतना ही पैसा डाला है जितना लाइफ में फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप लोग हमेशा से ही मोटिवेटेड थे टू लीव दैट अमाउंट इन क्रिप्टोकरेंसी एंड लुक इन टू द फ्यूचर। जब आप फ्यूचर के बारे में पढ़ रहे होते हो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, अगर ये मार्केट नीचे गई है ये मार्केट वापस ऊपर भी आएगी। एंड ये हिस्टोरिकल ग्राफ कहता है कि क्रिप्टो मार्केट जो बाउंस बैक करती है वो बहुत बड़ा बाउंस बैक करती है। अब वो बाउंस बैक कब होगा, ओनली द टाइम कैन टेल, नोबडी कैन टेल यू इन राइटिंग कि इस दिन से बाउंस बैक स्टार्ट होगा मार्केट में, क्योंकि अगर ऐसा कोई बताएगा तो वो सारे के सारे पैसे डाल देगा, वो क्यों वीडियोस बनाएगा, वो क्यों आर्टिकल्स लिखेगा, वो सारे के सारे पैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में डाल देगा अकॉर्डिंग टू हिज अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू हिज स्पेकुलेशंस। वो बोलेगा नहीं 23rd से मार्केट ऊपर जाएगी, वो बोलेगा ठीक है 22nd को मैंने सारा पैसा डाल दिया, 23rd से मार्केट ऊपर, मेरा प्रॉफिट बन गया, मैं खुश, आप लोगों को मैं क्यों बताऊं ये चीज़। बट यस, पूरी मार्केट जो है वो चलती है स्पेकुलेशन में, वो चलती है अजम्पशंस में। अगर उसके पॉजिटिव्स हैं उसके नेगेटिव्स भी होते हैं, ये हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। आपने ये डिफिकल्ट टाइम में यू विल हैव टू होल्ड ऑन टू योर क्रिप्टोस, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है माई सजेशन इज टू होल्ड ऑन टू दोज क्रिप्टोस। ज़्यादा बुरा टाइम है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, काफी लोग बोलते हैं सर डूब गए सारे पैसे बर्बाद हो गए। यह पैसे मैंने इनिशियली से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि कम ही डालो इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ज्यादा डालने से फायदा नहीं है। यस, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, बट आज की डेट में डाइवर्सिफाई का भी कोई ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं है मार्केट में, क्योंकि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जो है वो डाउन चल रहे हैं। कोई भी क्रिप्टो आप उठा के देख लो वो डाउन चल रहा है इन द लास्ट 3 मंथ्स। यस, अगर आपने वो क्रिप्टोस परचेस कर रखे थे जून जुलाई के टाइम में इन 21, वहां से कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि पॉजिटिव रहेगा आपका पोर्टफोलियो, बट जो लोग हैं जो आए हैं मैक्सिमम लोग वो है आफ्टर दी बुल रन। ये पहले भी हुआ है या आगे भी होगा, जब फोमो होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट उस टाइम काफी लोग आते हैं। जब मार्केट ग्रीन जाती है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है, जब मार्केट नीचे जाती है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, एंड ये क्राइटेरिया रहा है थ्रू आउट दी मार्केट, नॉट ओनली इन क्रिप्टो करेंसी, इन शेयर्स ऑल्सो, स्टॉक मार्केट, सारी जगह यही क्राइटेरिया रहा है। जब मार्केट ग्रीन की तरफ मूवमेंट करती है आदमी बोलता है यार मैं मिस आउट क्यों करूं, मैं परचेज कर लेता हूं। जब मार्केट नीचे जाती है बोलता है यार ये तो जीरो होने वाला है मैं बेच देता हूं।
डू योर ओन रिसर्च. मैं तो बस यही बोलूंगा कि आप अपनी रिसर्च कर लो, आपको जो ठीक लगता है आप वो करो. आई एम होल्डिंग ऑन टू माई क्रिप्टोज एंड येस आई एम रीडिंग अबाउट द न्यूज आर्टिकल जो सामने आ रहे हैं, जो कि काफी पॉजिटिव है. जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पॉन्सरशिप डील्स हो चुकी हैं काफी फुटबॉल क्लब्स की. आप लोगों को अगर जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, हम लोग एक एक करके वो न्यूज भी आपके पास लाएंगे एंड कल से हम आपको न्यूज भी बताएंगे. वी आर वेरी सून गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन शिबा एंड बेबी डॉज, क्योंकि वो दो क्रिप्टोज हमने काफी बातें करी हैं अपने चैनल में. कार्डानो मीडिया की भी बात करेंगे, एक्सआरपी की भी बात करेंगे, वीआरए की भी बात करेंगे, मैटिक की भी बात करेंगे. जो भी क्रिप्टोज हमने पहले से अपने लिए भी परचेज कर रखे हैं उनके बारे में वीडियो बनाएंगे, उनके बारे में बताएंगे कि वो कैसे चल रहे हैं एंड क्या क्या चीज़ें उसमें हो रही है, क्या क्या प्रोग्रेस उन चीज़ों में हो रहा है. फिलहाल के लिए मैं आपको खाली ये बता दूं कि अगर आप लोग चार्ट्स देख रहे हो एवरी डे, कार्डानो एडीए ज़रूर देखना. कार्डानो एडीए का ऑल्दो प्राइस नीचे आया है बट उसकी रैंकिंग में क्या फ़र्क आया आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना एंड वो क्यों फ़र्क आया वो भी आप सोच के बताना. विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल. सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके, बाय बाय.